सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और आज वीडियो के दौरान मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो 8 एक्सरसाइजेज जो करनी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आपका पर्पस चाहे वेट लॉस हो यानी फैट लॉस हो, आप मसल बिल्ड करना चाहते हो, टोनिंग, कंडीशनिंग, स्ट्रेंथनिंग, कुछ भी पर्पस के लिए आप ये 8 एक्सरसाइज अपने वीकली शेड्यूल में जरूर करें। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। आठ में से सबसे पहली एक्सरसाइज हम यहां पे करेंगे फ्लैट बेंच प्रेस, और जानेंगे इस एक्सरसाइज को सही से कैसे परफॉर्म करना चाहिए। सो जब भी आप बेंच पे लेटते हो, आपके दोनों फुट जो है वो फ्लोर पे टच रहेंगे। उसके बाद आप बैक में एक आर्च मेंटेन करेंगे अच्छा सा, और जो भी आपकी ग्रिप होगी वो होगी आपके शोल्डर से बाहर। उसके बाद आप आराम से बार को नीचे ले आए, क्योंकि यहां पे आप चेस्ट मसल को ट्रेन कर रहे हो, तो फोकस करो कि बार नीचे लाते हुए और ऊपर लिफ्ट करते हुए आप चेस्ट मसल को इन्वॉल्व करो। जब भी आप लिफ्ट करते हो, ब्रीद आउट और कंट्रोल वे से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, सो दैट आपको बेनिफिट हो पाए। सेकेंड मस्ट डू एक्सरसाइज हम यहां पे परफॉर्म करेंगे बेंड ओवर रो, जो कि हमारी अपर बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए काफी यूजफुल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे खड़े होंगे। मेरे दोनों फुट का डिस्टेंस हमेशा जो होगा वो एक नॉर्मल डिस्टेंस होगा, जिससे कि मुझे बैलेंस करने में आसानी होगी। तो बहुत क्लोज और बहुत ज़्यादा वाइड ना करें। उसके बाद बार जब भी मैं लिफ्ट करूँगा, वो मैं लिफ्ट करूँगा अपने शोल्डर से थोड़ा बाहर से, लाइक दिस। नी सॉफ्ट करके बार को लिफ्ट करें, और परफॉर्म करने से पहले पेल्विक बोन से बेंड हो जाए 45 डिग्री, नी सॉफ्ट ही रहेगा, और बस बार को आप अपने लोअर आर्म्स की तरफ लिफ्ट करें। और जब भी आप बार को लिफ्ट करते हो, अपर बैक को स्क्वीज करो एंड रिलीज इट स्लोली। जब भी वेट अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा, यू नीड टू ब्रीद आउट। तीसरी एक्सरसाइज जो मैं आप सभी से चाहूंगा आप अपने वीकली वर्कआउट शेड्यूल से मिस ना करें, वो होगी फ्रंट शोल्डर प्रेस, या फिर आप कह सकते हो मिलिट्री प्रेस। करने का सही तरीका, आपको एक बार की जरूरत पड़ेगी, जो आपकी ग्रिप होगी वो होगी शोल्डर विड्थ। उसके बाद आप बार को लिफ्ट कर लें और धक्का मारें ऊपर की तरफ, और बार को एक सेकंड के लिए होल्ड करें अपने सिर के ऊपर, एंड तब आप ब्रीद आउट भी करोगे, और फिर आप आराम से ले जाएं नीचे और फिर दोबारा लिफ्ट करें। यहाँ पे आपका शोल्डर मसल इन्वॉल्व है, तो आपको फोकस करना है अपने शोल्डर मसल्स पे। फोर्थ एक्सरसाइज जो आपको जरूर करनी चाहिए वो होगी बारबल कर्ल, जिसको हम करेंगे बाइसेप्स मसल के लिए। करने के लिए जो ग्रिप मुझे लेनी होगी वो होगी शोल्डर विड्थ, लाइक दिस। उसके बाद जब और इस एक्सरसाइज को करते हुए मुझे अपने कोर को टाइट रखना होगा और चेस्ट को लिफ्ट। उसके बाद बस आप बार को लिफ्ट करेंगे आराम से, बाइसेप्स मसल को स्क्वीज करो एंड स्लोली बार को वापस लेके जाओ। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप आगे इस तरह जर्क मार के और फास्ट बार को नहीं छोड़ सकते। सो लिफ्ट करते हुए जो आपकी स्पीड है उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए आप बार को नीचे छोड़ देंगे। जब भी बार लिफ्ट करते हैं तब आपको ब्रीद आउट करना है। मस्ट डू लिस्ट में पांचवें नंबर पे जो मैं एक्सरसाइज यहां पे परफॉर्म करने वाला हूं वो होगी डेडलिफ्ट,
ये एक्सरसाइज हमारी पोस्टीरियर बॉडी को स्ट्रेंथनिंग करने में हेल्प करती है। करने का तरीका, बार के थोड़ा क्लोज खड़े होंगे आप, उसके बाद जो ग्रिप होगी मेरे दोनों हाथों की वो होगी शोल्डर विड्थ। चेस्ट को लिफ्ट करें थोड़ा, नी सॉफ्ट, एंड बार को अपने क्लोज लाते हुए लिफ्ट करेंगे एंड ब्रीद आउट। उसी तरह से आप स्लोली नीचे जाएंगे, बार को जितना बॉडी के क्लोज रख सकते हैं उतना क्लोज रखें, चेस्ट लिफ्ट एंड वापस आ जाएं और सीधे खड़े हो जाएं। जब भी आप सीधे खड़े होंगे आप अपने हिप्स को थोड़ा स्क्वीज भी करेंगे, थोड़ा कंट्रोल वे से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें सो दैट आपको ये एक्सरसाइज करने के बेनिफिट हो पाए। सिक्स्थ एक्सरसाइज जो आपको जरूर परफॉर्म करनी चाहिए जो कि होगी हमारे ट्राइसेप मसल के लिए, वो होगी लाइन ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। करने का तरीका, आप एक ईजेड बार यूज करेंगे और बार को थोड़ा क्लोज पकड़ें और सीधा लेट जाए बेंच पे और बार को अपने फोरहेड की तरफ लेके आए आराम से और अपने ट्राइसेप से यहाँ इन्वॉल्व करते हुए बार को लिफ्ट करें लाइक दिस। कंट्रोल वे में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें सो दैट आपका ट्राइसेप मसल इन्वॉल्व हो पाए। जब भी बार ऊपर आएगी तब आपको ब्रीद आउट करना है लाइक दिस। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपका कोई भी पर्पस हो आप इन एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट शेड्यूल में जरूर इन्वॉल्व करें। फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल, ये एक्सरसाइज आप सभी को बेनिफिट देगी। सातवें नंबर पे जिस एक्सरसाइज को रखा गया है वो है मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइज कॉल्ड स्क्वाट। मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैं आपको स्क्वाट परफॉर्म करने के तरीके बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा कि जब भी आप बार को लिफ्ट करोगे शोल्डर्स पे प्लेस करें अच्छे से, दोनों फुट का डिस्टेंस जो होगा वो होगा मेरे शोल्डर विड्थ और पंजे थोड़े से रहेंगे बाहर, इससे मुझे बैलेंस करने में आसानी होगी। उसके बाद पेल्विक बोन को थोड़ा बेंड करें और बस पीछे की तरफ बैठ जाएं लाइक दिस। बस ध्यान रखें ग्राउंड के पैरेलल ही बैठें, ज़्यादा नीचे नहीं बैठ सकते। ग्राउंड के पैरेलल बैठने के बाद आप ऊपर आएंगे और फिर आराम से बैठेंगे और यहाँ पे आपका क्वाड्राइसेप मसल इन्वॉल्व है यानी लेग मसल, तो फोकस करें जब आप बैठे अपने लेग मसल में और ऊपर आते हुए अपने क्वाड्राइसेप से धक्का मारें। कोर मसल रहेगा टाइट, चेस्ट रहेगी लिफ्ट और जब भी आप ऊपर आते हो आपको ब्रीद आउट करना है लाइक दिस। जितनी भी एक्सरसाइज मैंने वीडियो के दौरान की हैं वो डेमोस्ट्रेशन के लिए थी, पर आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे बिगनर्स होंगे जो इन एक्सरसाइज को अपने वीकली शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे। उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सेफ्टी कम फर्स्ट, तो बेल्ट बांध के आप एक्सरसाइज परफॉर्म करें और जो लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सेफ्टी रख के कोई भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। आठवें नंबर पे जिस एक्सरसाइज को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ वो है प्लैंक्स, जो कोर मसल के साथ साथ हमारी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी यूजफुल एक्सरसाइज है। सही करने का तरीका है मुझे दोनों हाथों पे और दोनों टोज पे अपनी बॉडी को पैरेलली होल्ड करना है, लोअर बैक को बहुत ज़्यादा नीचे रखना या ऊपर रखना सही नहीं है, बस आपको पैरेलल रखना है। ग्लूट्स मसल को थोड़ा स्क्वीज रखें सो दैट आपको ज़्यादा बेनिफिट हो पाए इस एक्सरसाइज का एंड जस्ट होल्ड इट एंड काउंट करते रहें और ये जरूर देखें कि आप कितने सेकंड के लिए होल्ड कर पा रहे हैं।
चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं इस वीडियो को भी आप सभी वीडियोस की तरह प्यार देंगे। बस मेरा मकसद है कि राइट नॉलेज अबाउट फिटनेस मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता रहूं, आप भी अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ शेयर करें। टिल देन गुड बाय, सी यू।